हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान टैक्सों पर डेडलॉक बरकरार। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का आज पेट्रोल पंप्स बंद रखने का ऐलान। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद होना शुरू। पेट्रोलियम डिवीजन और ओग्रा ने मुश्तरका बयान में कहा कि मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ पेट्रोल पंप्स पर मसनूआत की वाफर मकदार में फराहमी को यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म का गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। अफगान हुकूमत से दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम का कह दिया। एस सी और एस सी ओ प्लस समिट में खिताब। फलस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। कहा इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मुजालिम का नोटिस लिया है। तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा तनाज़ात से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला है। आस्ताना में शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमारे चैलेंजेस मुश्तरका हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। मसाइल के हल के लिए अफगान उबूरी हुकूमत से बामायनी बातचीत करना होगी। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहां हैं। इसराइल ने गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़े। एससीओ फलस्तीन की सूरत हाल पर आवाज़ उठाए। उधर पाकिस्तान रवा साल शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराही इजलास की मेजबानी करेगा। अक्टूबर में इजलास होगा। आस्ताना में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। शंघाई तआवुन तंजीम इजलास की साइट लाइन पर मुलाकात हुई। तमाम रुकन मुमालिक के सरबराहान ने इजलास के एलामिये पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म की यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मौसमियाती तब्दीली पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्की आज़रबाईजान ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर से मुलाकातें। बेलारूस के सदूर से भी शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सियासी ताल्लुकात तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का पुरअमन और मुस्तहकम खित्ते के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुकम्मल, वतन वापसी। घरेलू सारिफ के लिए फी यूनिट बिजली का रेट बगैर टैक्स के तकरीबन 49 रुपए। वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतें कितनी बढ़ाई गई तफसीलात सामने आ गई। घरेलू सारिफिन के लिए बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे फी यूनिट तक हो गया। वफाकी काबीना की 3 रुपए 95 पैसे से 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। नॉन प्रोटेक्टेड 100 यूनिट वाले सारिफिन के लिए बुनियादी टैरिफ 23 रुपए 59 पैसे का हो गया। 200 यूनिट वाले सारिफिन के लिए टैरिफ 30 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। 300 यूनिट तक वाले सारिफिन के लिए टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। 500 यूनिट तक वाले सारिफिन के लिए टैरिफ 41 रुपए 36 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 700 यूनिट वाले सारिफ के लिए टैरिफ 43 रुपए 92 पैसे। 700 से ऊपर बुनियादी कीमत 48 रुपए 84 पैसे। कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली 48 रुपए 55 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। सनती सारिफिन के लिए बुनियादी टैरिफ 43 रुपए 40 पैसे फी यूनिट का होगा। नैप्रा हुकूमती तजवीज़ पर 8 जुलाई को फैसला करेगी। नैप्रा की तौसीक के बाद वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। घरेलू सार्फीन के लिए बिजली 7 से 9% महंगी। इत्तला की रकम जुलाई से होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बुरी खबर सुना दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का एतराफ़। कहा 3 बरस में प्रोटेक्टेड सार्फीन के लिए कोई इजाफा नहीं हुआ। गुज़श्ता बरस का बोझ 6 माह के लिए सार्फीन पर 2 से 9% तक आएगा। डॉलर महंगा नहीं होता तो अगले बरस जनवरी में बिजली कुछ सस्ती होगी। वापडा को 35 रुपये फी यूनिट मिल रहा है। हमें महंगी बिजली मिल रही है। बलोचिस्तान को 10,000 मेगावाट बिजली देने को तैयार है मगर पैसे तो मिले। आज हमसारों की मुलाकात थी वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ शेड्यूल। हम लोग तकरीबन 1:15 बजे से लेके अभी हो चुके हैं तकरीबन 4:30 बजे तक नहीं मिलने दिया वजीर आजम इमरान खान साहब से। आईजी जेल खाना जात ये डाउट्स लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली प्रोविंशियल मिनिस्टर MNAs रोका जाता है। ये समझते हैं कि हमें गेट पे रोक के 4 घंटे रोक के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके हमें ये कमजोर करने की कोशिश ये इनका दिमाग खराब है।
पीटीआई की किसी रहनुमा के बानी से मुलाकात ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेल अमले से तल्ख कलामी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब बरस पड़े। कहा बानी पीटीआई से मुलाकात तय थी, कई घंटे इंतजार कराया गया मगर जेल हुकाम ने मिलने नहीं दिया। सबको तहरीके इस्तेहकाक के जरिए लाइन हाजिर करेंगे। पूछा जाएगा मुलाकात से क्यों रोका गया। शिबली फराज बोले मुंतखब लोगों की तजलील की जा रही, बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा हक है। किराए के लोगों को पार्टी की तकसीम के लिए आगे किया गया, ये मुखालिफिन का हरबा है। पीटीआई में कोई इख्तलाफ नहीं। बानी से मिलने के लिए पहले शहरयार अफरीदी और शंदाना गुलजार पहुंची, बाद में उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन आए। शंदाना गुलजार ने कहा पार्टी में कोई पख्तून पंजाबी ग्रुप नहीं। शहरयार अफरीदी बोले मुखालिफिन हमारा मुकाबला नहीं कर सकते सिवाय हम में तोड़ फोड़ के। बाबर आजम और शान मसूद की तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। मुशावरत के बाद ही कप्तान पर कोई फैसला होगा। चेयरमैन पीसीबी ने खामोशी तोड़ दी। मोहसिन नकवी ने कहा सोशल मीडिया देखकर फैसला किया ना करेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी पोस्टमार्टम होगा। यहां आवे का आवा बिगड़ा है। आइंदा बरस चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। मैचेस 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेले जाएंगे। पाक भारत मैच 1 मार्च को लाहौर में होगा। मोहसिन नकवी ने कहा भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। लेबर या टूरी, कौन आइंदा 5 साल के लिए बरतानिया पर हुक्मरानी करेगा। 650 नशस्तों पर इंतखाबात, पोलिंग जारी। 4,515 उम्मीदवार मद मुकाबल, 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक जारी रहेगी। मुतादिद ब्रिटिश पाकिस्तानी भी मैदान में। वजीर आजम ऋषि सुनक ने अहलिया के साथ यॉर्कशायर में वोट कास्ट किया। लेबर पार्टी के सर किया स्टॉर्मर ने लंदन में वोट डाला। 9 जुलाई को मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हिजबुल्ला की मज़ाहमत, इसराइल पर 200 रॉकेट दाग दिए। गुलान की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी। आला कमांडर की शहादत के बाद मिसाइल दागे गए इसराइल के, जिन्होंने लेबनान में जवाबी हमले। सऊदी वजीर खारजा ने खबरदार किया गजा में बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वजीर खारजा की भी गजा जंगबंदी पर सऊदी हमनसब से बातचीत। ऑस्ट्रेलिया में इसराइल के खिलाफ एहतजाज, मुजाहरीन ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट की छत पर चढ़ गए। हॉलैंड के वजीर आजम ओहदा छोड़ने के बाद साइकिल पर घर रवाना, सादगी की मिसाल कायम कर दी। मार्क रटे 14 साल हॉलैंड के वजीर आजम रहे, इंटेलिजेंस चीफ नए वजीर आजम बन गए। रटे 1 अक्टूबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे। ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम पर वजीर आजम का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। APC की तारीख और वक्त का तयन होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर्रहमान का कहना है हुकूमत खुद गिरना चाहती है। 12 जुलाई को हर सूरत इस्लामाबाद के हम मुकाम पर बैठेंगे। हुकूमत ने रुकावट डाली तो खुद ही नतायज भुगतेगी। पुरअमन एहतजाज हमारा हक। मौसम का मजा लेना चाहते हैं तो मरी पहुंचे। हर तरफ धुंध का राज, सयाहों का रश, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी और हब्स में मामूली कमी। मर्दान और दीरलोर के नदी नालों में तोगयानी। दरियाए पंचकुड़ा में पानी की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात की शदीद बारिशों की पेशगोई। जुम्मे से इतवार के दौरान तेज बारिशों का इम्कान। सबसे ज्यादा गर्मी नौकुंडी और दालबदीन में पड़ी। दर्जा हरारत 49 डिग्री। कोयटा में भी 42 डिग्री की गर्मी। इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल सेनेट से मंजूर। पीटीआई का बिल पर एतराज़। सेनेटर अली जफर ने कहा यह बिल बदनीयती पर मबनी है, इसका पास होना जमहूरियत का कत्ल होगा। बिल के पीछे इलेक्शन कमीशन और ताकतवर हलके हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर का जवाब, कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम वही है जो 2017 में की गई थी।
पीटीआई का कानून से कोई लेना देना नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जजेस की तनख्वाह का भी बता दिया। कहा सैनेटर अकीन की तनख्वाह 1,70,000 है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह 10 लाख से कम नहीं। ऑपोजिशन अराकीन उनकी तनख्वाहों में रद्दबदल चाहते हैं तो हुकूमत का पैगाम पहुंचा दूंगा। और दुश्मन पर धाक और हैबत तारी करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत, बहादुरी की दास्तान सुनहरे हरूफ में लिखी गई। दुश्मन 5 जुलाई 1999 का दिन कभी नहीं भूल सकता। कारगिल के महाज पर बहादुरी की तारीख रकम की। सबसे आला फौजी एहसास निशान हैदर से नवासा गया। मुसल्ला आवाज का कर्नल शेर खान को खराज तहसीन।